जमनापाल क्षेत्र में सब्जी की छह दुकानों में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के थाना जमनापाल क्षेत्र के अंतर्गत दाऊजी रोड पर छह सब्जी के खोखों में बिजली के तार से आग लग गई। आग लगने से करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं पीड़ित ने बताया कि वह खोखों में सब्जी बेचने का काम करता था, जिसमें अचानक बिजली में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से उनका करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खोखा स्वामी छोटू रवि निवासी लक्ष्मी नगर, जो कि किराए के खोखों पर सब्जी बेचने का कार्य करते थे, आग लगने की जानकारी पीड़ित ने दी। टाइम्सलर सिंह मथुरा, समाचार 24। चंद्रवती, कहाँ की रहने वाली चंद्रवती? प्रीति विहार कॉलोनी। क्या घटना हुई आज यहाँ पर? यहाँ पे भाई हम तो सो रहे, हमें तो पता नहीं था, और क्या कहते हैं, आँच लगी थी, हमारे तीन ढकेल जल गई, हमारी कॉस्मेटिक की दुकान जल गई, और क्या कहते हैं, लहसुन प्याज कम से कम 10 कट्टे प्याज के, दो कट्टे अदरक के, 2 कट्टे लहसुन के, और 6 करेट टमाटर की, और मतलब वैसा सौदा हमारो सब्जी का वो, और जो सब में जैसा हतो जैसा खोगा में 1 कुंटल गेहूँ धद्दे जाई में गेहूँ पजर गए, और 6-7 खोखा पजरे। किससे आँच लगी है? आँच लगी है बातें केवल थे। अच्छा, बातें ट्रांसफार्म की केवल थे। कितना खर्चा हो गया वो लगभग? कम से कम ना तो 50,000 रुपए का सौदा तो कॉस्मेटिक की दुकान में हो। अच्छा, और कम से कम 20,000 रुपए का खोखा, और कम से कम ना तो 20,000 रुपए की प्याज है, 20,000 रुपए का लहसुन है, और कम से कम 10,000 रुपए के टमाटर है, और खोखा तो कोई कीमत ही ना, खोखा 50-60,000 रुपए का है। कोई FIR वगैरह कराई है? अभी तो कोई नहीं कराई है। अब हमारे तो सातों हो रही है, सामान है देख देख के रो नहीं आ रही है, और क्या कहते हैं, मतलब हमारा तो कोई दिमागी काम नहीं कर रहा। इतना सौदा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का सौदा आता है जिस खोखे में, और कम से कम 50-60,000 रुपए का सौदा कॉस्मेटिक का है, और खोखा सो अलग है ही है। केबल से लाइट लगी? केबल से लाइट लगी, आग गुजरी है, केबल में तो यहाँ से आई है जब खोखे जरिए। मथुरा के गोवर्धन